व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। माय नेम इज वाई टी शक्ति और आप सभी देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रिप्सल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है क्या होने वाला है, तो मैं आप सभी को बता दूं जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और आप सभी के जो सेमेस्टर प्रणाली में अध्ययनरत थे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में, उनके रिजल्ट के बारे में। जैसा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो भी फाइनल ईयर में अध्ययनरत छात्र थे उनके रिजल्ट आ चुके हैं पहले ही, और सेमेस्टर प्रणाली के जो रिजल्ट है सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की अभी तक नहीं आए हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स परेशान थे, और मैं जो भी वीडियो जो भी कम्युनिटी पोस्ट इस टाइम कर रहा हूँ उसमें ज़्यादातर आप सभी के ही कमेंट आ रहे हैं कि आप सभी के रिजल्ट कब तक आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप सभी के रिजल्ट कब तक आएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा जो हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं वे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी के रिजल्ट के बारे में होने वाला है कि आप सभी के रिजल्ट कब तक आएंगे। बीए बीएससी बीकॉम सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर और एमए एमएससी एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट कब तक आने वाले हैं, जैसा कि आप सभी कमेंट करके मुझे पूछते रहते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूँ जो भी लोग फाइनल ईयर में अध्ययनरत थे बीए बीएससी बीकॉम उनके रिजल्ट आ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक अपने रिजल्ट को नहीं चेक किए हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप अपने रिजल्ट को आसानी से चेक कर पाएंगे। और जो लोग अपने रिजल्ट को चेक ही नहीं करना जानते, मैंने उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जो लिंक दिया गया है उसको विजिट करिए, उसमें बताया गया है कि आप अपने रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो ये होने वाला है कि आप सभी के सेमेस्टर प्रणाली के जो स्टूडेंट्स हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर और एमएमएससी एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट कब तक आने वाले हैं, जैसा कि आप सभी बराबर कमेंट करके पूछते हैं कोई भी वीडियो कोई भी कम्युनिटी पोस्ट में करता हूँ। तो मैं आप सभी को कन्फर्म बता दूँ, अभी तक आप सभी के रिजल्ट के बारे में कोई कन्फर्म नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। जैसा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि अब ज़्यादातर जो सेमेस्टर के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें कोई नोटिस जारी नहीं हो रही है, रिजल्ट चाहे जब आ जा रहे हैं। तो अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएंगे। तो आप सभी को मैं कंफर्म बता दूं कि आप सभी के जो रिजल्ट हैं 1 वीक के अंदर यानी कि 1 हफ्ते के अंदर में आने के पूरा चांसेस हैं। आप सभी थोड़ा सा भी परेशान ना रहे, आपका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द आ जाएगा, और कल परसों या 1 हफ्ता लग सकता है आपका रिजल्ट आने में। तो आप सभी परेशान ना रहें, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस जारी होती है आप सभी के रिजल्ट आते हैं, मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन कोई भी सजेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यह छोटी सी जानकारी जो आप सभी को देनी थी मैंने सोचा दे दूं, क्योंकि आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ रहे थे और परेशान थे, तो मैंने बता दिया आप सभी के जो रिजल्ट है 1 हफ्ते के अंदर में आने के चांसेस हैं, बहुत ही जल्द आप सभी के रिजल्ट आएंगे। तो आप सभी परेशान ना रहें, जैसे ही आती है नोटिस हम आप सभी को चैनल के माध्यम से अपडेट देंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।